एपिसोड 5 की शुरुआत होती है मकरेना के सेल से, जहां मकरेना एना को कह रही होती है कि शायद वो सिम कार्ड को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। तभी ऑफिसर पलासियोस स्टेफानिया को यहां लाता है और मकरेना को बताता है कि योलंडा का बेड आज से स्टेफानिया को दे दिया गया है, और वो भी डॉक्टर के ऑर्डर से। अब मकरेना स्टेफानिया को पूछती है कि वो इस सेल में क्यों आई है, जिस पर स्टेफानिया उसे बताती है कि उसी ने पिछली बार कहा था कि विश स्टेफानिया और वो एक ही सेल में आ जाए। मकरेना के कहने पर कि वो डॉक्टर के साथ कुछ गलत करके यहाँ शिफ्ट हुई है, जो कि गलत है, जिसे स्टेफानिया उसकी जेले से समझ रही थी। उधर मिरांडा डॉक्टर को बताती है कि टेरेसा को आखिरी बार उसका भाई मिलने आया था, और वो भी 2 महीने पहले, जिस पर डॉक्टर का कहना था कि वो किसी जेल के गार्ड से ही प्रेग्नेंट हो सकती है। उधर ऑफिसर फाबियो सीधा पुलिस स्टेशन में ऑफिसर कास्टिलियो के पास जाता है और अपने ऑफिसर दोस्त से मिलके जुलेमा पर केस चलाने को कहता है, जिसके लिए वो पलोमा के बच्चे के जुलेमा के हस्बैंड ने बनाया हुआ वीडियो भी दिखाता है, जिस पर ऑफिसर का कहना होता है कि वो आदमी हनबल हमादी है, जो कि एक इजिप्शियन है, और उसे इंटरपोल भी ढूंढ रही है, और उसकी लास्ट फोटो 3 साल पहले की है। यहाँ फाबियो और ऑफिसर में झगड़ा भी होता है। सेल में मकरेना और स्टेफानिया की बातों से हमें पता चलता है कि स्टेफानिया की सजा बस 17 महीनों के लिए ही बची है। यह मकरेना उसे योलंडा के सिम के बारे में सब कुछ बता देती है। उधर पलासियोस फाबियो से कहता है कि मकरेना इनोसेंट है, जिस पर फाबियो एग्री नहीं करता। अब टेरेसा मकरेना को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर यहाँ मकरेना समझ जाती है कि प्रेग्नेंट तो वो खुद है, और वो भी सिमोन से। अब मकरेना अपने पिता से मिलने जाती है, जहाँ उसके पिता उसके लिए एक नए लॉयर को लाए होते हैं। उसकी फीस देने के लिए उन्होंने अपना घर मॉर्गेज भी किया होता है, और साथ ही उसका भाई ने अपने सारे सेविंग भी निकाली होती है। यहाँ से मकरेना सराय को ढूंढते हुए वॉशरूम में जाती है, जहाँ सराय टॉवल से मकरेना को गला दबाकर उसे मारने वाली होती है कि तभी मकरेना बताती है कि वो जुलेमा को बचा सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है जुलेमा के ट्रायल पर, जहाँ जुलेमा को बताया जाता है कि विटनेस के बेसिस पर उस पर ट्रायल चलाया जा रहा है, पर ऑन द रिकॉर्ड मकरेना अब अपना स्टेटमेंट बदल देती है। अब अपने सेल में वापस आने के बाद मकरेना योलंडा का सिम, जो सराय ने उसे स्टेफानिया को छोड़ने और जुलेमा की मदद करने के बदले में दिया था, उसे पलासियोस के मोबाइल में डालती है, जहाँ योलंडा ने कई पासवर्ड रखा होता है। पर 2 बार पासवर्ड गलत डालने के बाद मकरेना को याद आता है कि योलंडा का फेवरेट टैटू तो इन्फिनिटी का था, जो कि काइंड ऑफ 8 होता है। अब वो 8 से मोबाइल को खोलती है, जिससे उसे कुछ फोटोज मिलते हैं, जो शायद उन 9 मिलियन यूरोज की लोकेशन होगा। अब वो अपने पिता को कॉल करके सब बताती है, और वो सभी फोटोज उन्हें भेज भी देती है। अब उसके पिता अपने बेटे रोमान को स्पेड और वेलिंगटन्स मीनिंग कुछ खोदने का सामान लाने को कहते हैं। अब इधर मकरेना लंच कर रही होती है, जहाँ जुलेमा भी आ जाती है, क्योंकि मकरेना के बयान बदलने से फिर से उसे नॉर्मल सेल में भेज दिया जाता है। यहाँ स्टेफानिया मकरेना के साथ खाना खाने बैठती है, जहाँ मकरेना पलासियोस का फोन चुपके से उसे देती है। अब मकरेना उसे बताती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, जिससे गुस्सा होकर स्टेफानिया अपने खाने की प्लेट उसके सर में मारती है। तो उधर रोमान को जुलेमा का हस्बैंड किडनैप कर लेता है। इधर जेल में मकरेना एना को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सब बताती है। तभी जुलेमा मकरेना को पास बुलाती है और बताती है कि उसे योलंडा के सिम कार्ड के बारे में सब पता है, पर वो उसमें से सिर्फ 1 मिलियन यूरो जो उसे बेल के लिए चाहिए रख सकती है, पर उसे बाकी के 8 मिलियन यूरो जुलेमा को देने होंगे, जिसके बदले में वो जेल में उसे प्रोटेक्ट करेगी। अब जुलेमा अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसे देश के बाहर भाग जाने के लिए एक कुरियर, जिसमें पासपोर्ट और वेपन से कोस से 20 माइल दूर एक जगह से कलेक्ट करने को कहती है। अब गाड़ी की डिक्की खोलने पर रोमन हैनिबल को घायल करके वहां से सीधा भाग जाता है। तो मकरेना डॉक्टर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अबॉर्शन करना चाहती है। उधर मिरांडा टेरेसा को कॉन्फ्रेंट करने लगती है कि उसके प्रेगनेंसी में स्टाफ में से ही किसी का हाथ है, पर सजा से बचने के लिए टेरेसा मिरांडा के पीछे लगी स्टाफ की फोटो देखकर पलासियोस का नाम ले लेती है, जिसके बाद मिरांडा पलासियोस को इन्वेस्टिगेशन होने तक पलासियोस को सस्पेंड कर देती है। उधर मकरेना को अबॉर्शन कराने के बदले डॉक्टर उससे फेवर मांगता है, जिसे वो मना कर देती है। अब हम रोमान को एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ उसके पिता उसे लेने आते हैं, और यहाँ उसके पिता उसे योलंडा के पैसों के बारे में सब बता देते हैं।
पर तभी उसके पिता के मोबाइल पर मकरेना का कॉल आता है जो रोमान उठाता है। यह इमोशनल होकर मकरेना उसके साथ हो रही सभी चीजों को रोमान को बता देती है, इंक्लूडिंग उसकी प्रेगनेंसी। जिसके बाद रोमान और उसके पिता हैंडबल की कंप्लेंट किए बिना पैसों की तलाश में वहां से निकल जाते हैं और एपिसोड 5 यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम फाबियो को पलासियोस की मदद करने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए देखते हैं, जहां वो नोटिस करता है कि मकरेना ने ही हक करने के बहाने पलासियोस का मोबाइल चुराया था। अब फाबियो मकरेना के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करता है तो उसे पता है कि पलासियोस का मोबाइल उसी ने चुराया था। पर यह फाबियो को लग रहा था कि मकरेना ने ही पलासियोस की कंप्लेंट की है, जो कि टेरेसा ने की थी। अब फाबियो अपने ऑफिसर दोस्त कैस्टिलियो से मिलता है, जिसके साथ उसका लास्ट एपिसोड में झगड़ा हुआ था। यहाँ वो फाबियो को मकरेना के डैड से मिलवाता है, जो कि पहले सिविल गार्ड से। मकरेना के डैड फाबियो को बस उनकी बेटी की अदर प्रिजनर से प्रोटेक्ट करने को रिक्वेस्ट करते हैं। उधर शीट वॉशिंग के दौरान एक ऑफिसर और सराय में कुछ गर्मा गर्मी भी होती है, जहाँ मकरेना एनाबेल से अबॉर्शन पिल अरेंज करने को बोलती है, जिसके बदले में एनाबेल 3000 यूरोस चार्ज करने वाली थी और जिसके लिए मकरेना रेडी भी हो जाती है। अब फाबियो टेरेसा को मरेंडा के पास ले जाता है, जहाँ टेरेसा मिरांडा को सारी सच्चाई बताती है कि उसने झूठ कहा था कि पलासियोस ने उसका फायदा उठाया है और प्रेग्नेंट वो नहीं बल्कि मकरेना है। अब इंस्पेक्टर कैस्टिलियो फाबियो और मिरांडा स्टेफानिया को इंटरोगेट करने लगते हैं, जहाँ उसे बताया जाता है कि अगर वो सिम कार्ड के बारे में मकरेना से जानकारी निकालती है तो उसकी बाकी सजा माफ करते हुए उसके एक महीने के अंदर ही उसे छोड़ दिया जाएगा, जिस पर स्टेफानिया एग्री हो जाती है। और अब उसके कपड़ों में एक माइक भी फिट किया जाता है, जिससे पुलिस को मकरेना के अगेंस्ट प्रूफ मिल जाएगा तो वो कोर्ट में उसे यूज कर पाएंगे। अब स्टेफानिया एक एंगर कंट्रोल थेरेपी सेशन में जाती है, जहाँ वो सराय को सॉरी बोलती है, जिसे सराय भी एक्सेप्ट करती है। उधर ऑफिसर योगार्टे का जुलेमा सबके सामने इंसल्ट करती है और उसका टी शर्ट भी खराब करती है। अब इसका बदला लेने के लिए योगार्टे टेरेसा को कुछ चुपके से जुलेमा के क्लीनिंग के ट्रे में डालने को कहता है, जो कि इसे करते हुए एनाबेल टेरेसा को देख लेती है। अब फ्री टाइम में एनाबेल जुलेमा से मिलती है और उसका बिजनेस छीनने के लिए उसे ब्लेम करती है। अब मकरेना के सेल में स्टेफानिया आती है ताकि वो उसे सिम कार्ड की जानकारी निकाल सके, जहाँ वो मकरेना को सॉरी भी बोलती है। यह बातों बातों में मकरेना सिम कार्ड के बारे में बोलती है, जो ऑफिसर कैस्टिलियो और फाबियो सुनकर उसे इंटरोगेशन के लिए बुलाते हैं, जहाँ घबरा कर मकरेना उन्हें सिम कार्ड के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है कि उसने सिम कार्ड फ्लश कर दिया है और उसमें बस कुछ फोटोज ही थे। अब उन फोटोज में से एक जगह का पता लगाने के लिए कुछ लोकेशंस पर उसे ले जाया जाता है। उधर मकरेना के पिता उसी जगह खोदने जा रहे होते हैं, जहाँ जुलेमा का हस्बैंड उनका पीछा कर रहा होता है, जिसका पता चलने पर वो दोनों ही गलत जगह जाकर खोदने लगते हैं ताकि उसे सही जगह का पता ना चल सके। तो तभी लोकेशन का पता करते हुए मकरेना और बाकी सब वही पहुंच जाते हैं, जहाँ जुलेमा का हस्बैंड मकरेना के पिता और भाई पर गन ताने होता है, जहाँ एक शूटआउट में कैस्टिलियो के साथ मकरेना को छोड़कर बाकी सब घायल हो जाते हैं। पर यहाँ जुलेमा का हस्बैंड और मकरेना के भाई और पिता भागने में कामयाब हो जाते हैं। एपिसोड के आखिर में मकरेना के सामने सब बेहोश पड़े होते हैं और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं इस सीरीज को आपके लिए कंप्लीट कर सकूं। अदरवाइज हम इस सीरीज को यही खत्म कर देंगे। दोस्तों, थैंक यू, बाय।